हेलो एंड वेलकम, आप लोगों का स्वागत है हमारे वीडियोस के अंदर मल्टीप्लेयर हंटर चैनल पे। और जैसे कि आपको पता होगा, टीसीएस के अंदर कंटिन्यूअस करेक्शन अभी भी चल रही है, मार्केट करेक्ट हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे टीसीएस के अंदर करेक्शन चालू है। और जो एक सपोर्ट लाइन था 3195, वहाँ से स्टॉक ने नीचे की साइड अपनी रैली चालू की और वो आज के दिन तक यहाँ पे नीचे की साइड आया। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाला एक जो हमारा सपोर्ट था 2994, यहाँ पे आके स्टॉक ने 2 दिन लगातार नीचे शैडो कैंडल बनी है और ऊपर की साइड क्लोजिंग मिली है। तो इसका मोटिव ये हो सकता है कि यहाँ पे अभी फिलहाल एक हमें सपोर्ट यहाँ पे आता हुआ नजर आया, क्योंकि पहले भी यहाँ पे एक कंटिन्यूस साइडवेज करेक्शन हुई थी और सपोर्ट बना था। तो यहाँ पे 2994 यानी 2990 भी आप इसे लेके चल सकते हैं स्टॉप लॉस की तरह से, अगर आप लेना चाहते हो तो। और यहाँ पे एक अच्छा यहाँ से मूवमेंट आने की उम्मीदें हो सकती है। अर्निंग डेट डिक्लेयर हो चुकी है, अर्निंग से पहले ही प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है टीसीएस के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर बार हुआ है। और यहाँ पे अभी फिलहाल जो बेस बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, वो आ रहा है कि यही एक फाइनल बेस यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 बार यहाँ पे नीचे की साइड हमें शैडोज कैंडल बनती हुई नजर आई है 2 दिन लगातार, जबकि करेक्शन हैवी थी उसके बावजूद भी वॉल्यूम था और यहाँ पे जो मोमेंटम है वो भी अभी नीचे की साइड ही आपको आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी यहाँ से कोई भी अच्छी चीजें होती है टीसीएस के लिए तो एक अच्छी बात होगी और वहां से ऊपर की साइड रैली चालू हो जाएगी। जो इसका ऑल टाइम हाई था 4004 रुपीज का, वहां से लगभग लगभग 3000 के आसपास स्टॉक आ चुका है। 1000 के डिस्काउंटेड रेट पे आपको टीसीएस जैसी कंपनियां मिल रही है जो कि कंटिन्यूस एक कंस्टेंट कंपाउंडर्स मानी जाती है इंडस्ट्री के अंदर, और आईटी इंडस्ट्री जो आने वाले फ्यूचर को भी लीड करने वाला है उसका एक सबसे पहला मार्केट लीडर टीसीएस ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और टीसीएस ने अभी डिक्लेयर किया है यूके के अंदर वो नंबर 1 आईटी सर्विसेज कंपनी बन चुकी है वापस से, जो कि आज इनके न्यूज़ आई है, जिसके कारण अभी फिलहाल करेक्शन जो थी वो वापस से कम होती हुई नजर आई। लेकिन हाँ, यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट के पहले ही एडजस्टमेंट हो सकती है। और जो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं वो है 3195 के टारगेट्स हैं। सबसे पहला टारगेट आपको यही मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई है वहाँ पे आपको सबसे पहला टारगेट मिलता है। उसके बाद यहाँ से ऊपर के जो टारगेट्स है वो बीच में बहुत सारे टारगेट्स आएंगे, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर एक बार स्टॉक में रिकवरी करने चालू की तो ऑल टाइम हाई जाने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज पहले भी ऐसा हुआ है, जब भी करेक्शन होता है वहाँ से नीचे की साइड वापस से ऑल टाइम हाई बना देता है। वापस से यहाँ पे जो करेक्शन हुई है यहाँ से वापस एक ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए, जो कि होता है 3802। तो इस चीज़ का आप वेट कर सकते हैं, एक अच्छा खासा आप यहाँ पे एवरेज डाउन कर सकते हैं जिनके पास है। और ये सवाल भी जरूरी है, क्योंकि ये टीसीएस जैसी कंपनियाँ बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में मौजूद है और जो करेक्शन हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, तो ज़रूर आप इस स्टॉक में वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और इसको अच्छे तरीके से आप इसे बाय कर सकते हैं जिस लेवल्स पे है ये। और यहाँ से नीचे भी जाता है तो आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप 90 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उसके बाद 2990 का, और उसके बाद आप इसे ट्रेल करते हुए चल सकते हैं ऊपर की साइड, क्योंकि एवरेज यहाँ पे बहुत अच्छा बनेगा। जिन लोगों को भी लेना था टीसीएस पिछले साल भी इस साल भी, तो वो भी एक अच्छा मौका हो सकता है आप लोगों के लिए टीसीएस में अंदर यहाँ पे खरीदारी करने का। हाँ, एवरेज करके खरीदारी कीजिएगा ताकि आपके जो पैसे हैं वो आपके इन हैंड बचे रहे, कैश बचा रहे, बिकॉज ऐसे मार्केट के अंदर, बियर मार्केट के अंदर सबसे जो फ्रेंडली चीज़ होती है आपके पास कि आपके बैलेंस में फंड हो जिससे आप एवरेज कर सके अपने किसी भी स्टॉक को, या जो स्टॉक आप लेना चाहें वो स्टॉक खरीद सके। तो जरूर अपने बैलेंस पे ध्यान दीजिएगा और इस स्टॉक को भी ध्यान दीजिएगा, अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर नहीं है तो स्टॉक अच्छा समय है लेने के लिए, लेकिन हाँ, अपने कुछ पैसे से ही लीजिएगा, अपने आधे से ज़्यादा और या मैक्सिमम पैसे अपने कैश में रखिएगा, ताकि आपको और जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आने वाली मार्केट के अंदर उसके आप ग्रैब कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।